12 अलामत, वो आपसे मोहब्बत करता है लेकिन छुपा रहा है। अक्सर मोहब्बत में पड़ने के बाद ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो हमसे मोहब्बत करता है लेकिन पूरा यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ है। कुछ अलामत ऐसी होती हैं कि हमें लगता है कि वो हमसे मोहब्बत में है लेकिन वो इसका इजहार नहीं करता बल्कि छुपाता है। इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको उन पक्की अलामतों के बारे में बताऊं कि अगर वो आपको उसमें नजर आए इसका मतलब वो आपसे मोहब्बत करता है लेकिन छुपा रहा है। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली अलामत, वो आपको मुतासिर करने की कोशिश करे, वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, वो आपकी हिफाजत करे जब उसके होते आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना हो, जब वो आपको खुश देखना चाहे। इन तमाम अलामतों का मतलब वो आपको मुतासिर करके आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी अलामत, जब वो आपकी पेशकश को रद्द न करे, जब आपको पूरा यकीन हो कि वो आपकी किसी बात को रद्द नहीं करेगा, आपका ये यकीन भी इस बात की अलामत है कि वो आपसे मोहब्बत में है। तीसरी अलामत, जब वो किसी और औरत की जानिब ना देखे, जब आप उसके साथ हों और आप देखें कि वो किसी औरत की जानिब बिल्कुल भी नहीं देखता और ना ही उससे फ्री होने की कोशिश करता है बल्कि उसकी तवज्जो उसका महवर सिर्फ और सिर्फ आप हो, तो ये भी उसकी आपसे मोहब्बत की अलामत है। चौथी अलामत, जब वो आपके बहुत करीब हो, जब वो आपकी जानिब मुतवज्जो रहे, आपके आसपास मन लाए, वो आपकी बात को समझने के लिए बहुत ज्यादा मुतवज्जो हो, जब वो बहुत मोहब्बत के बावजूद अपने आप को रोके रखे ज्यादा करीब आने से, वो सिर्फ आपको छूने की कोशिश करे, तो ये भी उसकी आपसे मोहब्बत की अलामत है। पांचवी अलामत, जब वो आपको अपनी अहमियत का अंदाजा दिलाए, जब वो आपको अपनी अहमियत का अंदाजा दिलाए, इसके लिए वो ये साबित करे कि वो दूसरे मर्दों से बेहतर है और आपकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करे, इसका मतलब भी वाज़ेह है कि वो आपकी मोहब्बत के हुसूल की कोशिशों में है। छठी अलामत, उसकी बातों से अंदाजा हो कि वो अकेला है, जब उसकी बातों से अंदाजा हो कि वो अकेला और सिंगल है, जब वो अक्सर अपने अकेलेपन का इजहार करे मकसद के आप उसकी बात समझ जाएं कि वो आपसे मोहब्बत करता है। सातवीं अलामत, जब वो जिस्मानी इशारे दे, जब आप दोनों बातें कर रहे हो तो उसकी सारी तवज्जो आप पर हो, जब वो आपसे आंखों से राब्ता रखे, अगर वो आपसे मोहब्बत में होगा तो उसकी सारी तवज्जो आपकी जानिब होगी, जब वो आपके साथ आराम व सुकून में हो। आठवीं अलामत, आपकी बातों के दौरान अगर वो खामोश हो, अगर आप किसी और से बात करें तो वो जलन महसूस करे, जब उसका सलूक आपके साथ बेहतरीन हो, जब आप किसी टॉपिक पर बात करें तो वो खामोश हो जाए और आपकी बातों को पूरी तवज्जो के साथ सुने, ये भी उसकी आपसे मोहब्बत की अलामत है। नवी अलामत, जब वो आपके साथ अच्छा वक्त गुजारना चाहे, जब वो आपके साथ बेहतरीन वक्त गुजारना चाहे, जब वो आपकी तारीफें करे, जब वो आपके इनकार के बाद भी आपको कहीं ले जाने पर फोर्स करे। दसवीं अलामत, जब वो आपके साथ नर्वस हो जाया करे, जब वो आपको देखकर अपने कपड़े और अपने बालों को दुरुस्त करने लगे, ये सोचकर नर्वस हो के कहीं आपका लुक या कपड़े वगैरह से वो आपको कमतर ना समझे बल्कि वो आपके सामने कोशिश करे हीरो बनकर आने की, तो ये भी उसकी आपसे मोहब्बत की अलामत है। ग्यारहवीं अलामत, वो आपको खुश करने वाले काम करे, अगर वो आपको खुश करने की आपकी खुशामद की कोशिश करे, आपकी नकाली करे, तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो आपसे मोहब्बत में है। बारहवीं अलामत, जब वो आपको तंग करे, छेड़े, हंसी मजाक, छेड़खानी वगैरह उनसे की जाती है जो अपने हों, जिन्हें हम पसंद करते हों, अगर वो आपको छेड़े, तंग करे, तो ये भी इस बात की अलामत है कि वो आपसे मोहब्बत में है।
सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।